आम्रपाली होम बायर्स की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नोएडा के विधायक पंकज सिंह से मीटिंग करने के बाद बायर्स ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह से मुलाकात की। अभी आज आए थे, इन्होंने बोला, डीएम साहब ने, हम लोग सब आम्रपाली के बाहर हैं, इन्होंने बोला क्या कि ये मेरा जुडिक्शन नहीं है एफआईआर करना, ये अथॉरिटी करेगी। और मैं बोला कि सपोज करो अगर कोई बाहर यहाँ पे आम्रपाली का बाहर सुसाइड कर लेता है तब भी आप अथॉरिटी को फ़ोन करोगे कि भाई सुसाइड कर लिया है, इसका हम एफआईआर करें या ना करें, तब तो आप करोगे। कल इन्होंने 4 करोड़ सरकार का पैसा था, इन्होंने बोला मैं तो निकाल लिया, और हम लोग का 22,000 करोड़ फंसा हुआ है, उसका कोई माय बाप नहीं है। पिछले 3 साल से यही हो रहा है। आप आइए डीएम ऑफिस में या फिर आप एसएसपी ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए, ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बिल्डअप पर कार्रवाई नहीं करते। अगर जो इन्होंने आज आश्वासन दिया है, क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल से सिर्फ आश्वासन पर ही, मतलब हर मीटिंग में सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो अगर ये 10-15 दिन के अंदर कुछ ग्राउंड पर कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये लोग एफआईआर क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसे फ्रॉड लोगों के खिलाफ सुब्रत राय है वो अंदर बंद है, अब उसे दंडा होता है 1500 करोड़ रुपए जमा करा देता है। नोएडा अथॉरिटी ने या इसके दामाद को, उसको गिरफ्तार करने डायरेक्टर को 4.5 करोड़ रुपए दे दिया। 4.5 करोड़ में हमारा कुछ एक प्लान बन के कुछ फ्लैट तैयार हो जाते, ये इस पर नहीं ध्यान दे रहे, उसका अरेस्ट नहीं करना चाह रहे, अपना पैसा वसूल कर लेंगे हम, बायर्स का 40,000 करोड़ फंसा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। जब बात लेबर सेंस वसूलने की आती है तब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है, मगर इनका क्या, इन बायर्स का क्या जिन्होंने अपने पूरे पैसे लगाए हुए हैं जो कि इनको मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीएम से मीटिंग होती है, प्रशासन से मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है? बायर पहले भी लाचार था, बायर आज भी लाचार है। मुलाकात के बाद भी होम बायर्स निराश ही लौटे। जिलाधिकारी ने बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार करते हुए खरीदारों को प्राधिकरण के पास जाने की नसीहत दी, जबकि अपने स्तर पर शासन को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। इन बायर्स ने जब यहाँ के विधायक पंकज सिंह से मीटिंग की तब इनको डीएम से मीटिंग का आश्वासन दिया गया, मगर जब आज इन्होंने डीएम से मीटिंग की तो डीएम ने अपने हाथ खड़े कर लिए और इनको बिना बात के ही बाहर कर दिया और इनकी समस्या का हल नहीं सुना। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि बायर्स का अगला स्टेप क्या होगा और बायर्स क्या अगला कदम उठाएंगे ताकि उनको न्याय मिल सके। रियल्टी मीडिया के लिए उत्कर्ष अवस्थी की रिपोर्ट।